तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डिवाइस में जो है बैटरी को यहाँ पे 5 दिन तक जो है चलाना चाहते हैं सब कुछ यूज करने के बाद भी, तो कैसे आपको इन टिप्स को जो है फॉलो करके जो है यहाँ पे कैसे आपको बैटरी को यहाँ पे आपको यूज करना है, तो वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको लाइव प्रूफ जो है दिखा देता हूँ। मेरे पास रियलमी का डिवाइस है और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरे डिवाइस की जो बैटरी का जो चार्जिंग का लास्ट स्टेटस था वो आप देख सकते हैं कि 4 दिन मतलब 5 दिन पहले था, 4 घंटे 23 आवर्स एंड 25 मिनट, मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 5 दिन तक जो है 5 दिन पहले मैंने अपने डिवाइस को जो है चार्ज किया हुआ था। और आज जो है यहाँ पे मेरे डिवाइस की जो बैटरी परसेंटेज है वो 9% है और अभी आप देख सकते हैं कि मेरी बैटरी जो है यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मैं 5 दिन पहले इस डिवाइस को जो है चार्ज किया हुआ था और उसके बाद जो है सब कुछ इसमें यूज कर रहा था, मतलब इंटरनेट वगैरह या फिर म्यूजिक वगैरह, तब भी जो यहाँ पे बैटरी जो है काफी अच्छे से जो है 5 दिन तक चल गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारे मैं यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ क्या क्या आपको टिप्स जो फॉलो करना है अपनी बैटरी को 5 दिन तक यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आप भी अगर अपने डिवाइस की बैटरी की लाइफ है वो 5 दिन तक करना चाहते हैं तो काफी अच्छी मैं यहाँ पे टिप्स जो है बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मेरे डिवाइस को ऑलमोस्ट जो है 5 दिन जो है कम्प्लीट हो ही गया है, आप समझ लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डे 23 आवर्स एंड यहाँ पे 26 मिनट्स जो है कम्प्लीट हो चुके हैं, तो मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा 5 दिन जो है कम्प्लीट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 दिन तक इस डिवाइस की बैटरी जो है यहाँ पे चली हुई है। तो आपको कैसे 5 दिन तक का जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पे अपने डिवाइस में रखना है, इसके लिए आपको कुछ टिप्स जो है जरूर से फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि मैं जब अपने डिवाइस को यूज कर रहा हूँ, जब भी मैं यूज करता हूँ, यूज करने के बाद ना मैं सारे एप्लीकेशंस को जो जिसे यहाँ पे कई सारे यूजर्स होते हैं जो यूज करने के बाद जो है सारे एप्लीकेशन को जो है मिनिमाइज करके एंड लॉक करके जो है चले जाते हैं कहीं पे भी, तो उस कंडीशन में जो बैटरी के जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है ना वो रन करते रहते हैं, तो वो अगर रन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बैटरी खाएगा वो, और बैटरी खाने के साथ साथ जितने भी आपके जो बैटरी का ड्यूरेशन टाइमिंग है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको जो है अपने डिवाइस को जब भी आप यूज कर ले तो आपको ऑल क्लियर कर लेना है, यहाँ पे फीड कर लेना है अपने डिवाइस को, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप फीड कर लेते हैं अपने डिवाइस को तो कहीं ना कहीं जो भी ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरीके से जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैंने ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं यहां पे आपको चेकआउट भी करना है कि आपका जो अगर आपको यहां पे बैटरी को ज्यादा दिन तक चलानी है, मतलब 5 दिन तक, 4 दिन तक, 3 दिन तक या 5 दिन तक ही चलानी है, तो आपको बैटरी वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड यहां पे आपको मिलता है पावर सेविंग मोड, ठीक है। इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आपको नीचे की साइड में आना है, मोर बैटरी सेटिंग मिलता है ऑप्शन देखने को, आपको सिंपली टैप कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप इस बैटरी के सेटिंग में आएंगे आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड स्टैंड बाई मिलता है, इस पर आपको टैप कर देना है और यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है बैलेंस मोड पे। अगर आप अपने डिवाइस को बैलेंस मोड पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइस जो है अपने अकॉर्डिंग जो है बैटरी के जो भी जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन है उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बैलेंस कर लेता है, मतलब जहां पे ज्यादा बैटरी खर्च होनी होती है, जहां पे कम खर्च होनी होती है वो अपने अकॉर्डिंग जो है बैलेंस कर लेता है। तो इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में, तो बैलेंस मोड जो है ये भी काफी अच्छा फीचर है। अगर आप चाहें तो अल्ट्रा स्टैंड मोड को भी जो यूज कर सकते हैं, वो बैटरी के लिए आपके काफी इफेक्टिव ये भी फीचर है जिससे आप बैटरी को जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं मैंने नाइट चार्जिंग ऑप्टिमाइज को भी ऑन किया हुआ है, ठीक है। बट जो मेरा बैटरी यहाँ पे जो ज्यादा सेफ होने के चांस थे, यहाँ पे 2-3 रीजन थे, जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे पावर सेविंग मोड को भी हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, इससे भी जो है आपका ड्यूरेशन जो है यहाँ पे टाइमिंग बढ़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स ये कुछ मिल जाते हैं तो इनको भी आपको टिक मार्क कर देना है, रिकमेंडेशन में जैसे आप आते हैं तो इसमें भी आपको टिक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस के, अगर आप बैटरी को यहाँ पे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं या फिर 4 से 5 दिन तक इंटरनेट के यूजेस के बाद भी चलाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप अपने डिवाइस को जो है यहाँ पे कभी भी रखें तो आपको इंटरनेट डेटा वगैरह बंद करके रखना है। अगर आप इंटरनेट डेटा वगैरह ऑन करके रखते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो आपका इंटरनेट ऑन होने के कारण भी जो बैकग्राउंड के एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कहीं आपको कुछ चल रहा है तो उसमें जो है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको वो भी चीज देखना है, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर आप ये करते हैं तो इन सभी से भी आपका जो यहां पे प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ये सब काम करते हैं तो इससे भी आपका जो डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो काफी दूर मतलब लंबा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको अपना स्टेटस दिखाई दिया और यहाँ पे जो है मैंने इसको काफी समय तक भी यूज किया है और डेफिनेटली इस पे जो है काफी अच्छे से जो है आप देख सकते हैं लास्ट टाइम का जो स्टेटस है वो काफी दिन तक चला इस डिवाइस का। तो 5 दिन भी अप्रोक्स अगर चल जाए आप यूजेस के बाद भी तो ये भी काफी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे कुछ ही ऐसे लिमिटेड मतलब चीजें होती है जिनको आप यूज करते हैं तभी जो है आपके यहाँ पे जो बैटरी है वो सेव हो पाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जितने भी फीचर्स अगर आप एक्सटर्नली ओपन करके बैकग्राउंड में रख देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बैटरी का जो ड्रेनिंग प्रॉब्लम है उस कारण जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है। और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में भी चले आना है और एडिशनल सेटिंग के बाद प्रोसेस मैनेजर मिलता है इस पर भी चले आना है। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन करते हैं ना इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 481 MB के आसपास जो है यहाँ पे फ्री हुआ है। अभी देखिए अगर ये मैं क्लियर नहीं करता या फिर मोबाइल को डिवाइस को लॉक कर लेता तो कहीं ना कहीं वो जितने भी एप्लीकेशन से वो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते या फिर होंगे, ठीक है, जो भी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो जब बैकग्राउंड में रन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बैटरी यूजेज जो है ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी बैटरी जो है ज्यादा जो है यहाँ पे खर्च होगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका यहाँ पे जो बैटरी ड्रेनिंग है इस सिचुएशन में ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप भी यहाँ पे Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आप भी इस तरीके से जिस तरीके से मतलब हमारे डिवाइस की बैटरी चली है आप कोई भी जो कितने भी एमएच का बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको यूज करना है और आप चाहें तो इसमें सुपर पावर सेविंग मोड वगैरह भी मिलता है। फीचर आपको पता है काफी यहाँ पे इनहेंस फीचर जो दिया गया है सुपर पावर सेविंग मोड, इसको आप बैटरी के लिए बैटरी सेविंग के लिए काफी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी बेटर फीचर है, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग टू आप जैसे यूज ना करें तो आप सुपर पावर सेविंग मोड वगैरह में भी अपने डिवाइस पे जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है तो आप इसको जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो जो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।